नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें इस समय सबसे ज्यादा तेजी देखने मिलती है, मतलब इस स्टॉक में आप अभी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों याद रहे, अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे चला और वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है। जो हमारा निफ्टी है और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगर करेक्शन होता है तो इन सारे स्टॉक्स में भी गिरावट होगा। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो स्टॉक्स है इसमें अभी काफ़ी मतलब ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने मिला है, जिसमें पहला हमारा स्टॉक जो है वो IRCTC है। देखते हैं ज़बरदस्त ब्रेकआउट, जबकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब था स्टॉक का, कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ख़राब था। 6% की तेज़ी है, अभी करेंट प्राइस है 1721 रुपया और इस स्टॉक का भी रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त रहा है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब से पैंडमिक आया है तो लगभग ये इसी प्राइस पे मतलब लगभग 1400-1500 रुपया पे कंसोलिडेट हो रहा था लंबे वक्त से, और अब इसमें काफी जबरदस्त तेजी देखने मिली है। तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगला है हमारा मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, इसका करेक्ट प्राइस है 198 रुपया और इसमें आज 10% की तेजी है और ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगर बात करें इसके रिटर्न का तो ये भी स्टॉक काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। लेकिन पिछले कई सालों से ऑटो इंडस्ट्री काफी अंडर परफॉर्म था, तो इस स्टॉक ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन अभी जो पैंडमिक आया था वहां पैंडमिक से गिरावट के बाद यहां पर देखते हैं स्टॉक में काफी जबरदस्त मोमेंटम देखने और 270% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने अपने पैंडमिक के गिरावट से अभी तक में। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखिएगा काफी जबरदस्त है, 76,000% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। तो कितना बेहतरीन रिटर्न है, और ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे बोनस देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी इन्वेस्ट किए उनको मालामाल किया है इस स्टॉक ने, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने में भी है, बोनस भी देता है, डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छी देती है। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.14% है, तो इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी काफ़ी मतलब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो सारे स्टॉक जो भी अभी हम आपको इस वीडियो में बता रहे थे, सारे के सारे स्टॉक में अभी काफ़ी आग लगा हुआ है, काफ़ी तेजी देखने मिल रहा है, तो आप इन सारे स्टॉक्स में अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक पे काफ़ी सारे कमेंट आते थे क्योंकि ये स्टॉक 320-350 इस रेंज में ही लगातार कंसोलिडेट हो रहा था, और जो ब्रेकआउट है अब पिछले दो दिन से इसमें देखने मिला है और आज ये स्टॉक 5.92% अप है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर बात करें मैक्सिमम में रिटर्न का, तो ये स्टॉक का लिस्टिंग काफ़ी दिन नहीं हुआ है, अभी लिस्टिंग नया ही है, और जब से लिस्ट हुआ था ये स्टॉक नीचे के प्राइस पे ही कंसोलिडेट हो रहा था, जबकि लिस्टिंग 360 पे हुआ था और ये नीचे के प्राइस 320 और 50 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था, और यहां से अब जबरदस्त ब्रेकआउट देखने मिला है, अपने ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक। तो इसमें चाहे तो आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन याद रहे स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। आप जीरोधा में अगर आप अकाउंट है तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, नहीं है तो जरूर ओपन कर लीजिए, क्योंकि वहां आप पोजीशनल ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला हमारा अतुल लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और इसमें भी देखते हैं ब्रेकआउट देखने मिला है, और ये भी स्टॉक में 5% की तेजी है, अभी करंट प्राइस है 6,852 रुपीस, और इस स्टॉक में काफी जबरदस्त देखने मिला है पिछले कई दिनों से, और इस स्टॉक में भी गिरावट के बाद देखिए पैंडमिक के बाद इस स्टॉक का भी रिटर्न काफी जबरदस्त है, 95% का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में। इस स्टॉक ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 32,000% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक में भी अपने ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस किया है और स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। अगला हमारा स्टॉक है इंगरसॉल रेंड, यह स्टॉक काफी मतलब अभी जबरदस्त तेजी देखने मिला है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन इस स्टॉक ने डिविडेंड काफी दिया, एक बार 200 रुपए का डिविडेंड दिया था इस स्टॉक ने। तो इसमें भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है डिविडेंड काफी अच्छा मिलता है, कंपनी बीच बीच में काफी अच्छे डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर को। अभी 11.68% की तेजी इस स्टॉक में देखने मिला है, 847 रुपए इसका करेंट प्राइस है। अगर इसका चार्ट देखिएगा तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी स्टॉक नीचे चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई लगभग 1100 से 1200 के बीच है। तो अभी भी स्टॉक में काफी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम बाकी है, तो आप इसे चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे आप। अगला है हमारा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन तेजी में है, 20% का अपर सर्किट इसमें आज देखने मिला और करंट प्राइस जो है इसका 164 रुपया है, और ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर वन ईयर में बात करें तो वन ईयर में कुछ खास रिटर्न नहीं, वन ईयर में देख लीजिए 18% का रिटर्न है, और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में और भी काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम ईयर में तो 12,000% का रिटर्न दे रहा है। अगर ये
2018 में कोई प्रॉफिट यहाँ पर बुक करता तो 2018 में 28,000% का रिटर्न दे रहा था। तो काफ़ी दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और जो मीडिया सेक्टर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रियलिटी सेक्टर और जो मीडिया सेक्टर, ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है कई सालों से। और वहाँ से देख लीजिए, इसमें जो गिरावट था लगभग 77% का गिरावट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने मिला था इस सेक्टर के स्टॉक में। और अभी इसमें ज़बरदस्त तेजी देखने मिला है, तो हो सकता है ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करे। स्टॉक काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी सस्ते प्राइस पर यह स्टॉक अभी मिल रहा है। अगला हमारा स्टॉक है मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। दोस्तों, केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक में गजब का रिटर्न देखने मिला है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये जो स्टॉक है कुछ खास अभी तक नहीं किया है। अगर एक साल में रिटर्न की बात करें, एक साल में रिटर्न देखेगा तो 133% का रिटर्न है। मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम देख लीजिए, कुछ खास रिटर्न नहीं है। अगर हम बात करें तो 2007 से अभी तक में मात्र 101% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, ये एक अप साइकिल और डाउन साइकिल में चलने वाला स्टॉक है, तो अभी अप साइकिल में इससे थोड़ा सा आप सावधानी से इसमें इन्वेस्ट करें या पोजिशन बनाएं, क्योंकि ये स्टॉक जो एक अप साइकिल और डाउन साइकिल में चलने वाला स्टॉक है, तो क्या पता फिर से ये डाउन साइकिल में जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करते जाइएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे तभी आपका जो है अच्छा से प्रॉफिट जो है लॉक हो पाएगा। तो ये सारे स्टॉक है जिसमें अभी काफ़ी तेजी देखने मिला है, तो कल अगर तेजी कंटिन्यू रहता तो आप किसी भी स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें करते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।